हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू, और हम जानने वाले हैं कि कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज की है, और हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल के डायनामाइट शो का प्रीव्यू, और जानते हैं कि हमें कल के शो के ऊपर क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो गाइज, जो सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको और एडम कोल, ये दोनों पहली बार एक दूसरे के सामने फेस टू फेस आते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस कन्फ्रंटेशन की, तो गाइज हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में क्रिस जेरिको और एडम कोल एक दूसरे को काफी बार इंटरप्ट कर रहे हैं, पर वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्रॉब्लम है। तो देखना पड़ेगा कि जब हमें पहली बार एडम कोल और क्रिस जेरिको एक दूसरे के आमने सामने आकर फेस टू फेस मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर एडम कोल और क्रिस जेरिको के बीच में क्या होता है, और क्या इन दोनों के बीच का फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन हमें आगे चलकर एक मैच के अंदर रिजल्ट करता हुआ दिखाई देता है या नहीं। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर द क्लेम और बिली गन एक सिक्स मैन टैग टीम मैच के अंदर डैनी मैजिक, कूल हैंड और जेक हेगर इनको फेस करते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हम तो देख ही रहे थे कि यहाँ पर JAS द क्लेम के साथ मिलकर काम करना चाहती थी, लेकिन जब द क्लेम और JAS एक दूसरे के एक साथ आ गए, तब JAS ने अपने ट्रू कलर्स दिखाकर द क्लेम के ऊपर अटैक कर दिया, और इसलिए द क्लेम JAS के खिलाफ एक मैच चाहती थी और JAS भी इस मैच के लिए मान गई है। इसलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर द क्लेम और JAS इनके बीच में एक सिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। और गाइज, मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी जबरदस्त मैच साबित हो सकता है, और यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब काफी दिनों बाद बिली गन इस मैच के अंदर रसल करते हैं, तो उनकी इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस कैसी होती है, और उसके साथ ही क्या 2.0 द क्लेम के सामने टिक पाती है या नहीं। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर द क्लेम और बिली गन ही मैच जीतने वाले है। पर यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलकर द क्लेम और JAS के बीच में क्या क्या होता है। लेकिन गाइज, इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर FTR आकर कुछ कहते हुए दिखाई देने वाले है। इसीलिए गाइज यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि यहाँ पर आकर FTR क्या कहते हैं, और FTR के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नए चैलेंजर्स कौन होते हैं। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर जेम हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर एक टैग टीम मैच के अंदर रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म इन दोनों को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज हम तो देख ही रहे हैं कि AEW के ओरिजिनल्स जैसे कि डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेम हेटर, इन पर द आउटसाइडर्स यानी कि रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म इनकी टीम मिलकर काफी बार अटैक कर रही है, और काफी बार ब्रिट बेकर और जेम हेटर ये दोनों अकेले थे, इसलिए आउटसाइडर्स इन पर अटैक कर पाए। लेकिन फाइनली जेम हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर एक साथ रियूनाइट होकर द आउटसाइडर्स के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इसलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जेम हेटर और डॉक्टर ब्रिट बेकर और रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म इनके बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। इसलिए गाइज यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब द आउटसाइडर्स और द ओरिजिनल्स इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है, और इस मैच के अंदर इन चारों ही फीमेल सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन गाइज, यही पर इस मैच को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैन थ्योरीज सामने आ रही है कि मैं प्रोबेबली इस मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर जेमी हेटर पर अपना एक हील टर्न करता हुआ दिखाई दे सकती है, क्योंकि इस वीक का डायनामाइट शो उनके होम टाउन के अंदर है। पर मेरे हिसाब से यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर का हील टर्न होने के चांसेस काफी कम है। लेकिन इस सब के बाद भी अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर ही ये मैच जीतने वाले है। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर द एलीट यहाँ पर आकर कुछ कहते हुए दिखाई देने वाली है। इसीलिए गाइज यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और द एलीट इनके राइवलरी के अंदर यहाँ पर आकर द एलीट क्या कहती है, और क्या हमें यहाँ पर द एलीट ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को एक मैच के लिए चैलेंज करती हुई दिखाई देती है या नहीं। पर गाइज, इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जे वाइट एक तरीके से AEW के अंदर अपना रीडेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले है, क्योंकि गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जे वाइट एक 1-on-1 मैच के अंदर कमांडर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज वैसे तो इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, पर जे वाइट का AEW के अंदर रिटर्न हो चुका है, और अब जे वाइट ने AEW के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और AEW
AEW के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जे व्हाइट का ये AEW के अंदर पहला ऑफिशियल मैच होने वाला है। इसलिए एक तरीके से ये जे व्हाइट का AEW के अंदर एक डेब्यू मैच है। इसलिए इस मैच के अंदर देखने के लिए मजा आएगा कि जब जे व्हाइट और कमांडर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो यहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है और क्या कमांडर जे व्हाइट के सामने टिक पाते हैं या नहीं। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर जे व्हाइट ही ये मैच जीतने वाले है, क्योंकि जे व्हाइट अभी अभी AEW के अंदर आए है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी कोई मैच हारने वाले है। लेकिन गाइज इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर पावर हाउस ऑफ्स अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर वार्डलो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए भी काफी जबरदस्त बैक स्टोरी है कि पहले जब वार्डलो और पावर हाउस ऑफ्स इनके बीच में TNT चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ, तो वार्डलो की TNT चैंपियनशिप चोरी करवा कर वार्डलो से TNT चैंपियनशिप जीत ली और ये देखकर वार्डलो काफी गुस्सा थे। इसलिए जब वार्डलो वापस आए तब वार्डलो ने पावर हाउस ऑफ्स की कार को तहस नहस कर दिया और ये देखकर पावर हाउस ऑफ्स काफी गुस्सा थे और इसलिए पावर हाउस ऑफ्स वार्डलो के खिलाफ एक रीमैच के अंदर अपनी TNT चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए मान गए है। इसलिए हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर वार्डलो और पावर हाउस ऑफ्स इनके बीच में TNT चैंपियनशिप के लिए एक रीमैच देखने को मिलने वाला है। इसलिए गाइस देखने के लिए मजा आएगा कि जब फिर एक बार डायनामाइट शो के ऊपर पावर हाउस ऑफ्स और वार्डलो जैसे काफी तगड़े सुपरस्टार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है और इस मैच के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है। अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज हमने पहले भी देखा है कि वार्डलो कई बार अपने रीमैच के अंदर TNT चैंपियनशिप जीते हैं, इसलिए इस बार भी वार्डलो की TNT चैंपियनशिप जीतने के चांसेस बनते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार वार्डलो पावर हाउस ऑफ से उनकी TNT चैंपियनशिप ले पाएंगे और मेरे हिसाब से यहाँ पर हॉब्स ये मैच जीतने वाले है और वो स्टिल रहने वाले है TNT चैंपियन। पर यहाँ पर स्लाइट पॉसिबिलिटी भी है कि वार्डलो ये मैच जीत जाएंगे। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से इस मैच का रिजल्ट क्या आएगा और ये मैच कौन जीतने वाला है। लेकिन इस सब के साथ ही अगर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर और कुछ होता है तो वो क्या है, ये आपको हमारे चैनल के ऊपर डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?